वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस, एक कदम प्रतिभाओं की खोज। दोस्तों आज तक आप लोगों ने बहुत से बड़े बड़े कलाकारों को आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, लेकिन आज हमारे साथ मौजूद है हरियाणा की रहने वाली एक महिला जिनका नाम है आंचल बौद्ध। वो फतेहपुर से बिलोंग करती हैं। आज उनके गीत हम सुनेंगे और उनसे रूबरू कराएंगे। तो आंचल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल पे। जी, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को एक छोटा सा परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम आंचल है, मैं फरीदाबाद में रहती हूँ। जी जी, अच्छा आंचल जी, ये बताइए कि आप, पता चला है कि आप गीत गाती हैं और आपकी सुर मधुर, आपकी जो आवाज़ है बहुत मधुर है। आपसे बहुत सी बातें करेंगे, हम चाहेंगे कि दर्शकों को एक छोटा सा जो है कि गीत सुनाए पहले। जी हाँ, मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा, बात पुरानी है एक कहानी है, अब सोचो तुम्हें याद नहीं है, अब सोचो नहीं भूले वो सावन के जो रुत आए रुत जाए, देखे झूठा एक दिलासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। आपने जो गीत गाया है, ये एक समय की विख्यात जो कलाकार थी रानू मंडल, आपने रानू मंडल का नाम सुना होगा। जी हाँ। दोस्तों आपको बता दें कि इनकी आवाज, गीत सुन करके आपका दिल मोह जाएगा। तो आंचल जी, ये बताइए कि आप एक महिला हैं और आपकी शादी भी हो चुकी है, और ये बताइए कि आप गीत कैसे कर लेती हैं, कि गीत भी गा लेती हैं आप और आपका वीडियो भी बना लेती हैं, कैसे सारा मैनेज कर लेती हैं, उसे बच्चे भी आप देखना होता है। जी कर लेती हूँ, मुझे कहीं घर से बाहर जाना ही नहीं है, इसलिए मैं काम वाम कर लेती हूँ, बच्चों को पढ़ा लिखा लेती हूँ, फिर इसके बाद 2 घंटे का टाइम लेकर मैं बना लेती हूँ। नहीं, आपके मैंने वीडियो देखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा है, और मुझे इस बात की खुशी है कि आप एक महिला होने के बावजूद भी आप एक वीडियो कर लेती हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपको ये चीज़, ये गीत गाना आप अपने लाइफ में कब से शुरुआत किया था आपने? जी, मैं बचपन से ही, मुझे शौक था कि मैं गाना गाऊं, पर मुझे कहीं ऐसा मतलब नहीं मिला कि मैं गा सकूं कहीं। आपको पता होगा तेरी मेरी कहानी। जी, थोड़ा सा हम चाहेंगे हम दर्शकों को उस गीत को सुनाएं। जी, तेरी
अच्छा ये बताइए कि आप जब गीत गाती हैं तो आपके घर वाले नहीं बोलते हैं कि आप ये क्या काम कर रही हो, तुम एक महिला हो, तुम्हारे पास दो बच्चे हैं, बच्चों को ध्यान दो, नहीं तुम्हें ये नहीं करना, ऐसा नहीं कोई करता बोलता आपको जी? नहीं कोई नहीं बोल, नहीं वो नहीं बोलते हैं कुछ नहीं, उनका ही तो सपोर्ट है जो मैं यहाँ आपसे बात कर रही हूं। खुशी हो रही दोस्तों, आपको बता दें कि बहुत ही मुश्किल से ऐसी जोड़ी मिला करती है, जो एक पति एक हस्बैंड अपने वाइफ का सपोर्ट करता है इस लाइन में, क्योंकि बहुत कम सपोर्ट मिल पाता है ऐसे लोगों का। अच्छा ये बताइए कि आप हरियाणा में आपके जो हस्बैंड है क्या करते हैं? मेरे पति जी वो पेंट का ठेका लेते हैं, काम कराते हैं। अच्छा पेंटिंग का काम करते हैं और ठेका लेते हैं, इसी तरह आपका आप काम कर, देखिए बड़ी स्ट्रगल लाइफ है आप लोगों की, जो है कि अपने फैमिली को संभालते हुए गीत गा ले रही हैं, इस बात की बहुत खुशी है हमें, क्योंकि बहुत से ऐसे कम लोग मिला करते हैं जो कि फैमिली भी देख लेते हैं अपने और जो है कि गीत भी गा लेते हैं। अच्छा अभी हमारे दर्शक सोच रहे हैं कि कुछ और गीतें सुननी चाहिए। अच्छा ये बताइए कि आप हिंदी गाती हैं कि भोजपुरी भी गाती हैं आप? जी भोजपुरी भी गा लेती हूँ, हिंदी भी गा लेती हूँ। अच्छा कोई ऐसी भोजपुरी गीत जो आपको पसंद हो हम दर्शकों को चाहेंगे फिर? पूरे पूरे राम जी बनवले संभार के दुनिया में भेज दिहले होई है मान मार के, पूरे पूरे राम जी बनवले संभार के दुनिया में भेज दिहले मार के, खुशबानी हो तो है पाके जिया लागे गोदिया में आके, प्यारी नई हमार अब कब हुए काम, पिया पिया कही पिया पिया कही के पिया पिया कही बोला हरे दाम गोदिए मेरा है सनम। वाह वाह बहुत खूब। देखिए आचल जी, दोस्तों आपको बता दें कि आचल जी का ये गीत आपको बता दें कि किसी भी राग की, किसी भी हारमोनियम की, किसी भी वादक की ज़रूरत नहीं है इनकी गीत सुनने के लिए, इतनी मीठी आवाज़ है कि आप लोग इनकी गीत को सुन देंगे तो लगेगा ही नहीं कि मुझे दूसरे, क्योंकि मैं लता मंगेशकर के भी गीत सुना हूँ और बहुत से लोगों का गीत सुना हूँ, लेकिन इनकी जैसे रानू मंडल गाया करती थी, फरमानी गीत गा रही है आज जो दोनों स्टार हो गए हैं। अच्छा आचल जी ये बताइए कि आपका कोई यूट्यूब चैनल भी चलता है? मेरा यूट्यूब चैनल है मधुर आंचल गीत। मधुर गीत आंचल? हाँ मधुर गीत आंचल, मधुर गीत आंचल। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आचल जी का ये यूट्यूब चैनल मधुर गीत आंचल को सब्सक्राइब करें और इनके वीडियो जितने भी हैं सारे वीडियो को देखें, लाइक करें और शेयर करें और इनको एक अच्छा प्लेटफार्म दें, क्योंकि इस महिला के अंदर इतनी काबिलियत है, ये चाहती है कि मुझे आगे बढ़ना है, कि आप ही और हमारा काम है कि हम इनको बढ़ा सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि मधुर गीत आंचल को आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक प्यार दें। आंचल जी यानी अच्छे सब जो गीत आप गाती हैं कैसे याद कर लेती हैं एक बार में, क्योंकि आपको देखिए कि आप इतनी एज भी हो चुकी है, आगे पढ़ाई लिखाई कहाँ से हो चुकी है? हाँ जी मैं अगर गाना सुन लूँगी तो उसे वो मुझे याद हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हो चुकी है आपकी? पढ़ाई मेरा बीए कंप्लीट है। बीए कंप्लीट है, बीए कंप्लीट कर लिया आपने और बड़ी अच्छी बात है कि आप बच्चों को संभालते हुए, फैमिली को संभालते हुए अपने आप को ये चाहते हैं कि मुझे समाज दुनिया देखे, तो कोई भी ऐसे गीत सुनाएं जी। क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन, क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन मेरे दिल बरियाने वाला है, कलियाना बिछाना राहों में हम दिल को बिछाने वाले
बस उनका सिर्फ बसेरा है। हो वो अपने प्यार के बारिश उन पे बरसाने वाले हैं। कलियाना बिछाना राहों में हम दिल को बिछाने वाले हैं। वाह वाह, आपकी गीत को सुनने के बाद जितने भी पुराने कलाकार हैं, आपको बता दें अनुराधा पौंडवाल की बात करें, अलका याग्निक की बात करें और लता मंगेशकर जैसी कलाकारों को याद आ जाता है, क्योंकि आज के ज़माने में ऐसी कोई गीत सुना नहीं करते हैं, लेकिन आप कितनी अच्छी तरह से इस गीत को गुनगुना रही हैं। दोस्तों, आप लोगों को ये गीत सुनाई दे रही होगी, मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया जाएगा। अभी एक गीत और सुनना चाहेंगे। आपको पता है कि अभी 26 जनवरी आने वाली है जी। 26 जनवरी पे आपने गीत गाया हुआ था, ऐ मेरे लड़कियाँ आपकी तरह बनना चाहती हैं। आपको भले ही लगता हो कि मैं आज मेरी आवाज़ दबी की दबी रह गई, लेकिन आपकी तरह आवाज़ जिनके पास है वो चाहते हैं कि मुझे और भी आगे खुल करके गाना है, तो आप उनसे क्या कहेंगे? मैं उनसे यही कहूँगी कि आप जैसे सबकों से मिलें तभी उनका बेड़ा पार होगा। अच्छा अच्छा, मतलब आप चाहती हैं। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को अधिक से अधिक, और कमेंट भी करें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। और साथ ही अगर आपके नज़र में आंचल जैसी और भी लड़कियां, चाहे लड़का, चाहे किसी भी प्रकार की प्रतिभा हो, तो आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर पर फ़ोन करें और मुझे बताएं, मैं उनका इंटरव्यू करूँगा। और मैं चाहूँगा कि